Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केसेस से। दो नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और एक डिस्चार्ज या क्योर केस। तो एक्टिव केसेस हैं 30 पर कोविड शामिल नहीं है आज की इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर में करीब 1151 केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और उसमें से 1013 केसेस बेंगलुरु अर्बन के हैं। हिंदुस्तान भर की अगर हम बात करें तो आज 15,528 नए कोविड केसेस रजिस्टर हुए हैं और 25 कोविड डेथ्स पिछले 24 घंटों में रजिस्टर किए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, IMD फोरकास्ट कर रहा है रेनफॉल हैदराबाद में अगले 4 दिन तक, तो उसका असर थोड़ा बहुत गुलबर्गा शहर भी पड़ सकता है। जुलाई 22 तक लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होगी हैदराबाद और तेलंगाना के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। गुलबर्गा शहर से हम आपको खबर ला रहे हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से ADGP आलोक कुमार जी गुलबर्गा शहर के अंदर हैं और यहां पर पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया DER पुलिस परेड ग्राउंड पर। ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರೇ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೀಪಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕವಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ। उसके बाद हम बात करते हैं दत्तात्रेय सिंह पाटिल रेवर जी KKRDP चेयरमैन और MLA साउथ ने आज मीडिया से डिस बात करते हुए KKRDP की कई सारे वर्क्स के बारे में बात की। कल्याण कर्नाटक प्रदेश अभिवृद्धि मंडली वत सोष्ठियल नम डेवलपमेंट अथॉरीटी चेयरमैन डायर गावडकर सर कर्भदली स्वागत कोरी कल्याण कर्नाटक बोर्ड वत ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಗಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು। के बाद हम बात करें कल्याण कर्नाटक कॉर्पोरेशन मेंबर्स ने आज मेमोरेंडम सबमिट किया KKRDP चेयरमैन को, उनकी इश्यूज क्या क्या हैं आइए नजर डालते हैं। कि हमारे को जो सैलरीज मिल रहे हैं वो सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे भी कम है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे भी कम है, उनके बराबर या उनसे भी अच्छी सैलरी हमको होना चाहिए। KKRDP अध्यक्ष जो है हमारे अपूगढ़ साहब चेयरमैन, उनसे भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिए हैं के आने वाले दिन में करके देंगे बोल के। हमेशा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो या कोई भी MLA हो, हमेशा आश्वासन दे लेते आ रहे हैं लेकिन आज तक नहीं बुलाए। स्ट्राइक किया गया है, वो जो है सैलरीज के लिए किया गया था लेकिन इसके बावजूद भी वो स्ट्राइक में भी जो है हमारे कई जो है एम्प्लॉय सस्पेंड हुए हैं, डिसमिस हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ईद मिलाद प्रोग्राम जो इलियास सेठ ने रखा था सभी सैनिटरी इंस्पेक्टर्स और सुपरवाइजर्स, जो कि इस बार ईद उल अज़हा के अंदर काफ़ी एक्टिवली उन्होंने काम किया, जहां सभी हेल्थ इंस्पेक्टर्स के साथ साथ कॉर्पोरेशन के वो सभी लोगों ने जो ईद उल अज़हा के जब क्लीनस के जो काम थे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही पीसफुली इस काम को अंजाम दिया। उस चलते इलियास सेठ ने सभी को फेलिसिटेट किया और इलियास सेठ हमेशा सोशल वर्क्स में आगे आते हैं और सोशल वर्क्स जो करते हैं उन्हें भी अप्रिशिएट करते हैं। बड़ी बड़ी जग मुआ पंडित हुआ ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ाई सो पंडित हुई, ढाई अक्षर प्रेम प्रेम तो कर सर ला अदक ना चिरोणिया। आप लोग जो ईद में काम किए हैं हर साल तो करते आते हैं लेकिन इस साल ज़रा बारिश का मौसम था, बहुत डिफ़िकल्टीज थी, लेकिन आप लोग काम किए हैं, आपकी सुपरवाइजिंग में आपके जो है लोग काम किए हैं, आप लोग काम कराए हैं, इस बार एक पैसे का भी कंप्लेंट शिकायत कहीं भी नहीं रही। बरहाल इतना कहते हुए मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं।
उसके बाद हम बात करते हैं श्री रामलू जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कर्नाटका के, वो गुलबर्गा शहर पहुंचे और यहाँ पर मनरू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने विजिट किया और डॉक्टर फारूक अहमद मनूर और उनके एंटायर टीम से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अहमद मनूर ने जो जिम्मेदारी ली है लोगों तक सर्विस ओरिएंटेड वर्क उन्होंने जो हाथ में लिया है और यहाँ पर बहुत ही इकोनॉमिकल फीस स्ट्रक्चर में वो काम करते आए हैं और इतना स्पेशलाइजेशन खासकर ट्रॉमा केयर का जो यहाँ पर है उसकी उन्होंने काफ़ी तारीफ की और कहा कि डॉक्टर फारूक अहमद मनूर एक जो है विजनरी आदमी है और उनका साथ सब लोगों को देना चाहिए। फारूक मनूर बहुत दुड सहायता याकंद्रेवतु भाग मनूर मल्टी स्पेशालिटी हास्पिटल डॉक्टर फारूक मनूर ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಡವರಿಗೆ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। मैं मेरे तहे दिल से श्रीरामलू सर को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आके हमारे कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट किए एंड इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में ऐसे ही सर्विस करेंगे। शुक्रिया। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। यू डोंट हैव टू बी बेटर देन एवरीबॉडी एल्स, यू हैव टू बी बेटर देन यू एवर थॉट यू कुड बी। यानी कि सबसे बेटर रहना ये ज़रूरी नहीं है, बेटर रहना है आपको अपने ख्याल से कि आप क्या कर सकते, उससे आप अगर बेटर रहें तो बस काफी। कमेंट सेक्शन इज स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड डिग्री कॉलेज। सबसे पहले हमें कमेंट सेक्शन में वाजिद शेख ने अस्सलाम वालेकुम भाई लिखा है, उसको सानिया तस्नीम लिखा है माशाल्लाह, उसके बाद अशरफ हुसैन लिखते हैं, असलाम दार भाई, अब्दुल हमीद लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वालेकुम सलाम सभी लोग, और मोहम्मद बेगम लिखते हैं माशाल्लाह न्यू बहुत ही अच्छी, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे अपने शहर गुलबर्गा में आप जैसे बहुत अच्छे न्यूज़ वाले हैं, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, थैंक यू सो मच। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, और उन्होंने कहा जिलानी साहब के लेआउट में रोड्स और नाली नहीं है, आप हमारी मदद कीजिए, यहाँ के जो जिम्मेदार उन तक हमारी आवाज़ पहुँचाइए, कह रहे हैं शाहिद अहमद। वसीम बटल कह रहे हैं GST से मार डाल रहे हैं आम आदमी को। समय सिद्दीकी कह रहे हैं गोवा इज़ बेस्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया, बेस्ट न्यूज़ गोवा इज़ गुलबर्गा, थैंक यू सो मच। अरिजा आयात कह रही है गवर्नमेंट हैज़ टू विड्रॉ GST चार्जेस, मिडिल क्लास पीपल कैन नॉट अफोर्ड दिस चार्जेस, गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए। कल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर सब लोगों का कमेंट आ रहा है माशा तार में, आप जो कमेंट सेक्शन पढ़ रहे हैं बहुत खूब, जजाकल्ला, थैंक यू सो मच। मोहम्मद ख्वाजा पाशा मोदी चाय वाला कह रहे हैं कि ये GST नहीं, गरीबों के पेट पर अपनी तीर से मोदी ने हमला कर दिया है, अभी ऑलरेडी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नेपाल बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे है, इंडिया यानी भूखों मारने वाले के परसेंटेज में इन तीनों को पीछे छोड़ दिया है। फिर सैडी कह रहे हैं आज का थॉट ऑफ द डे बहुत ज़बरदस्त है, GST की न्यूज़ से काफ़ी सारे लोग जो है परेशान हैं। तौफीक कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम दार भाई, आपकी खैरियत, मैं चाहता हूँ कि जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर भी जॉब के वीडियो शॉर्ट बनाएं, ज़रूर बनाएं। गुलमर्ग अवॉइड करें, रोड पर पार्किंग पर फाइन रखना चाहिए क्योंकि वो पार्किंग की वजह से वो लेन वाला फर्स्ट लेन में जाने की कोशिश करता है और उसकी वजह से फर्स्ट लेन की व्हीकल उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आसिफ कुरैशी कह रहे हैं कि मेरा जो है स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, ट्रेनिंग के लिए कुछ अगर कहीं होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो हम ज़रूर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सैयद सुलेमान कह रहे हैं मंडी को अलोक कुमार जी यहाँ पर मौजूद थे, एयरपोर्ट को अपने ऑफिस को जा रहे थे तब घर के पेट्रोल पंप पर करीब आधे घंटे तक ट्रैफिक रुका गई, जिसकी वजह से आम जनता को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, स्कूल जाने वालों को एम्बुलेंस भी, ऐसे में कोई पेशेंट अगर बीमार रहता है उसको बड़ी मुश्किल हो जाती है, इस तरह की बात करें। बिल्कुल सही बात है, खास करके VIP रंग पॉलिटिशियन, जिसकी वजह से आम जनता को भी जो है तकलीफ होती है, और इस बात को सैयद सुलेमान ने बिल्कुल सही कहा है। खुदबुद्दीन खान कह रहे हैं गुलबर्गा में जब तक लेट खमर सलाम साहब जैसे लेटर नहीं लाएंगे तब तक हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोगों ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार फास्ट एक्यूरेट और रिलायबल। ये आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर। बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग गोहैश।
आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब्स है जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय केबीएन यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। डेली बुलेटिन इज पावर्ड बाय Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for Source and Sherwanis.